हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में। जॉन रॉल्स जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं और आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता की परत या अज्ञानता का पर्दा, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। हर वर्ष आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन रॉल्स के बेसिक आइडियोलॉजी के बारे में। जॉन रॉल्स बिलीव करते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, लाइक हॉब्स लॉक रूसो। इवन जॉन लॉक का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हम जॉन रॉल्स के ऊपर देखते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं जिसको स्टेट ऑफ नेचर कहा गया था हॉब्स लॉक रूसो के द्वारा, उसे ओरिजिनल पोजिशन, द टर्म यूज बाय जॉन रॉल्स इज ओरिजिनल पोजिशन। वह ऐसी प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं जहां पे लोग असेंबल होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग बात करते हैं कि प्राइमरी गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे बांटा जाए। जब लोग प्राइमरी गुड्स को बांटने की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास ज्यादा गुड्स को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी वो जो है एक इक्वल सोसाइटी नहीं चाहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मैं ज्यादा अर्न कर सकती हूं अपने फ्रेंड से, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी कि इस देश में ऐसा कानून आए जो कि बोले कि सब समान वेल्थ को कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, तो क्यों लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भरेंगे? जॉन रॉल्स इसके लिए एक कंडीशन देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि लोग जो असेंबल हुए हैं वो हॉब्स के लोगों की तरह नहीं है, ये लोग ऑनेस्ट हैं, ये लोग डिसइंटरेस्टेड हैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब पक्षपात करने में विश्वास नहीं रखते। फिर कहते हैं जॉन रॉल्स कि ऑल्सो दे आर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, ये अज्ञानता की परत लगी हुई है। क्या है अज्ञानता का पर्दा? रॉल्स कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये नहीं जानते कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये नहीं जानते कि इनकी कमियां क्या है। दे आर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ऑफ देयर वीकनेसेस। तभी वो जो है एक रैशनल डिसीजन, एक सही डिसीजन ले पाएंगे जब वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनकी अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं। फिर रॉल्स आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के कारण लोग रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का प्रयोग करके और डिसीजन लेते हैं। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम मतलब जो डिसीजन लेते हैं उसको खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो रॉल्स का कहना है लोग अज्ञान हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं, सबको इक्वल कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम से रैशनल डिसीजन लेते हैं, एंड ऑल दीज प्रोसेसेस लीड टू अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसमें वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल देते हैं और डिफरेंस का प्रिंसिपल देते हैं। आई होप यू ऑल नाउ नो अबाउट जॉन रॉल्स एंड हिज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।